नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। तो आज जो वीडियो है वो है दिवाली स्पेशल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे एलईडी है। तो आप लोग बहुत सारे एलईडी आप घर में टंगाया है, बट इस तरफ का एलईडी बहुत सारे कम लोग हैं जो इसको टंगाया है घर में। तो ये एलईडी मार्केट में बहुत चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा सा लाइट है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इस लाइट जब जलता है बहुत अच्छा सा लगता है। तो चलिए फटाफट से इसको जो किस प्रकार से कनेक्शन करता है, किस प्रकार से इसको जोड़ना है, किस प्रकार से इसका जो इफेक्ट होता है, किस प्रकार से और इसका जो प्राइस है वो जान लेते हैं। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक और डिसलाइक कर देना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ प्रॉब्लम और कुछ आपको जानना चाहिए तो कमेंट में पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक, जितना जानता हूं मैं उतना तक आपको बता दूंगा। तो चलिए फटाफट से इसका जो कनेक्शन किस प्रकार से करना चाहते हैं और इसका जो प्राइस है हम बोल देते हैं। तो चलिए इसका जो प्राइस है ये है, हमको मिला है 250 रुपीज़ में। इसका मतलब है 250 रुपीज़ में आपको, 250 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, 250 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा ये। इसका जो एलईडी लैम्प है आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ। इसका जो डिस्टेंस है, इस तरफ से डिस्टेंस है, देखिए इस तरफ से डिस्टेंस है। इसका जो एलईडी है ये 50 एलईडी से है, यहाँ पे 50 से यहाँ पे, इसका मतलब 50 एलईडी है यहाँ पे। ठीक है, इसको 250 रुपीज़ मिल जाएगा। आप ऑनलाइन में खरीदेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस मिल जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस आपको लगेगा, इसको देना पड़ेगा। और ये जो है ये है एलईडी कंट्रोलर, इसको सिर्फ इस तरफ का जो चेन है, इस तरफ का जो दोनों चेन है, दोनों को चेंज करने के लिए ये एडाप्टर है। और बहुत ज़्यादा चेन को आप कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा आपको कंट्रोलर लगेगा, वो ऑनलाइन में आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके खरीद लेना। इस एलईडी वाल्व का भी लिंक दे दूंगा, जाके खरीद लेना। और ये है मेरा मेन चीज जो है वो है पावर सप्लाई। ठीक है, हम तो थोड़ा सा ज़्यादा लिए हैं, ज़्यादा बड़ा लिए हैं, इसलिए हमारे बहुत सारे एलईडी चेन है। ठीक है, इसका जो पावर देख सकते हैं यहाँ पे 60 एम्पेयर का, आपको 60 एम्पेयर नहीं लगेगा दोनों जाना, लेकिन ये 6 एम्पेयर काफ़ी है। 6 एम्पेयर का जो UPS है उसको लगा देंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा। तो चलिए इसका जो कनेक्शन है किस प्रकार से करते हैं हम जान लेते हैं। ये देखिए, ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन है पावर सप्लाई देने के लिए, पावर सप्लाई देने के लिए। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, पावर सप्लाई देने के लिए। और ये देखिए, ये है, ये जो दोनों है, ये इसका मतलब ये जो रेड और व्हाइट जो दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे जो ये जो दोनों बाल लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये जिस तरफ से काम करता है ये भी उस तरफ से काम करेगा, ये भी पावर सप्लाई लेने के लिए। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये जो ग्रीन कलर का लाइन है, ये है डाटा लेने के लिए। डाटा आपको जो कंट्रोलिंग करेगा, ये जो कंट्रोलर है इसका जो डाटा लेगा इस तरफ से, ये जो लाइन है यही डाटा का लाइन है, इस तरफ से कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो दोनों लाइन है, ये पावर जाने के लिए यहाँ पे दो लाइन दिया हुआ है। तो चलिए इसका किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं हम देख लेते हैं। इसके दरुन हम दो ही एलईडी को काउंटर कर सकते हैं, उसका ज़्यादा कनेक्ट करेंगे तो नहीं जलेगा। ठीक है, ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए आपको बड़ा कंट्रोलर लेना पड़ेगा, छोटा कंट्रोलर से नहीं होगा। ठीक है, इसका जो प्राइस है ये है 150 रुपीज़, इसका मतलब है आपको 150 रुपीज़ देना पड़ेगा इसको लेने के लिए, 150 रुपीज़ देना पड़ेगा आपको ये लेने के लिए। तो चलिए इसका जो कनेक्शन है हमको किस प्रकार से करते हैं हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए वोल्टेज माइनस और प्लस, इस तरफ के जितने हैं माइनस से लगेंगे और इस तरफ के जितने हैं प्लस में लगाएंगे। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं इसका जो लाइन है। तो चलिए फटाफट से कनेक्ट करते हैं, देखिए ये जो प्लस का लाइन है हम प्लस में लगा रहे हैं। देखिए ये एक
ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक लाइन है, एक लाइन है दिया हुआ है, ये देखिए अब देख नहीं पा रहा है ठीक से, ये देखिए एक लाइन है, इस लाइन का इधर का है प्लस और इधर का है माइनस, तो हम प्लस का लाइन ये है जानते हैं रेड कलर का, हम लगा देते हैं, और जो है ये जो माइनस का लाइन है, माइनस का लाइन इसका इसका इस तरह का लगाना पड़ेगा, लगा दिया हम लोग। और देख लीजिए और एक बात है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे N और L लिखा है, इसका मतलब न्यूट्रल और लाइव, न्यूट्रल लगाने के लिए आपको ये देना पड़ेगा और लाइव देने के लिए एक कनेक्शन देना पड़ेगा, इसका मतलब है एक जहाँ पे सप्लाई लेगा, ये जो सप्लाई है, सप्लाई एडोप्टर है, ये इसको जहाँ से सप्लाई देना पड़ेगा ये यहाँ से कनेक्शन करके सप्लाई देना पड़ेगा, और यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ से अर्थ लगाना पड़ेगा ठीक है। तो चलिए और एक कनेक्शन कर लेते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, और एक कनेक्शन करेंगे और एक पिक्सल को लगा लेंगे यहाँ पे, और एक कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इसको, हम क्या करेंगे इसको ब्लैक टेप कर लेना पड़ेगा, आप लोग ब्लैक टेप कर लेना इसको, डायरेक्ट हो जाए, इसका मतलब ये डायरेक्ट हो जाएगा तो नहीं जलेगा, मशीन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, आप पीवीसी टेप यूज करेंगे इसको, ये ख्याल रखिएगा, ये मत नॉट यहाँ पे आप ख्याल रखिएगा, ये डायरेक्ट नहीं हो, कनेक्शन नहीं देना चाहिए इसको, इसको आप फाक में रखेंगे ठीक है, ये अलग करके रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये जो सॉकेट है, हम ये सॉकेट में लगा देते हैं इसको ठीक है, ये जो सॉकेट है इस सॉकेट में लगा दिया, देख सकते हैं यहाँ पे फिटिंग हो जाता है, बट ये दोनों तार को मैं अलग अलग रखा हूँ, डायरेक्ट हो जाएगा तो नहीं जलेगा और मशीन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और चलिए हो गया है मेरा कनेक्शन, और एक बल्ब कनेक्ट करने के लिए इस तरफ से, और एक बल्ब कनेक्शन करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और एक बल्ब एलईडी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे और इस तरफ से आपको पुश करना देना पड़ेगा, तो कनेक्शन हो जाएगा, देखिए देख हो गया है, और इसको भी टेप मार देना पड़ेगा ठीक है। तो इसको हम खोल लेते हैं, इसलिए खोल रहे हैं इसका नहीं चलेगा, ये दोनों को ले कंट्रोल करता है, दोनों को ये जो कंट्रोलर है ये सिर्फ दो चेन को कंट्रोल कर सकता है, पिक्सल दो पिक्सल चेन को कंट्रोल कर सकता है, नहीं और ज़्यादा नहीं कंट्रोल करेगा, तो यहाँ पे एक ज़्यादा देता है ठीक है, एक है फीमेल और एक है मेल, एक एक पिक्सल में दो सॉकेट रहेगा, एक है फीमेल और एक है मेल, देख सकते हैं फीमेल और मेल, पिक्सल चेन एलईडी चेन में मास्ट भी रहेगा, एक फीमेल सॉकेट और मेल सॉकेट ठीक है, इस तरफ से आप कनेक्शन करने के लिए। तो चलिए ये जो फीमेल सॉकेट है इसको हम पुश कर देते हैं, देखिए हो गया है, तो हमारा सप्लाई भी ले लिया है, तो हम बोर्ड में सप्लाई देंगे, आप देखेंगे यहाँ पे बोर्ड जो है, देखिए बोर्ड जो है बोर्ड पे सप्लाई दे रहे हैं हम लोग, स्विच को ऑफ करते हैं, और सप्लाई दे दिया हूँ, देने के बाद इस तरफ से देखिए, ये देखिए लाइट कैसा जल रहा है, देखिए ये तो घर में जल रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है, आप जब घर में आप जब उसको घर में टंगाएंगे चेंज करके बहुत अच्छा लगेगा, ये दोनों है आपको ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए, आपको ज़्यादा आपको एडाप्टर लेना पड़ेगा, ये किस तरफ से जल रहा है, कितना अच्छा जल रहा है, इसका जो कलर है बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा सा इफेक्ट देता है, ये आप इसको खरीद सकते हैं ठीक है, इस तरफ से आपको कनेक्ट करना पड़ता है। चलिए आज तक इतना तक, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और डिसलाइक कर देना, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्या बताऊँगा।